रोशनी में आपका स्वागत है। इस नए प्रोग्राम में हम आपको उत्तर भारत के कुछ ऐसे राज्यों में ले जाना चाहते हैं जहां पर परमेश्वर आज भी विभिन्न चमत्कार कर रहा है। और इस नए एपिसोड में हम आपको लेकर चलते हैं पंजाब के एक गांव में जहां पर परमेश्वर ने बहन रजनी और उनके जीवन में ऐसा ही एक चमत्कार किया, उनका तथा उनके परिवार का जीवन बदल दिया। मैं विश्वास करता हूं कि आप जब ये गवाही को देखेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में भी आशीष देगा। तो आइए हम पंजाब की ओर चले और देखें कि किस प्रकार परमेश्वर ने बहन रजनी के जीवन में ये कार्य किया। उत्तर भारत के धनधान्य जल और प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण पंजाब राज्य के दसवां मुंगेरिया गांव की निवासी है रजनी, जिसने अपने जीवन में काफ़ी प्रयासों और मुसीबतों का सामना किया था। इन कठिनाइयों ने उसके व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन को बुरी तरह से तोड़ कर रख दिया। मुसीबतों की आंधियों ने उसे लगभग समाप्त ही कर दिया था। बर्बादी के काले बादल उनकी ज़िंदगी में मंडराने लगे। ऐसे में एक ऐसी रोशनी आई जिसने उनकी ज़िंदगी के अंधकार को उजियाले में परिवर्तित कर दिया। मेरा नाम रजनी है और हम लोग पंजाब के रहने वाले हैं। मेरा जो ज़िला है होशियारपुर है, जो मेरा गांव है दसवा मकेरियाँ है। तब मेरी 17 साल की एज थी। जब मेरी 17 साल की एज थी, मेरी मम्मा ने पापा ने मेरी मैरिज की। विवाह के बाद उम्मीदों के अनुसार दिन प्रतिदिन उनकी ज़िंदगी हंसी खुशी आगे बढ़ती गई, लेकिन शादी के पहले दिन से ठीक 18वां दिन उसके जीवन में मुसीबतों की सौगात लेकर आया। शुरू में उसे हल्का पेट दर्द रहने लगा और फिर धीरे धीरे रक्तस्राव भी शुरू हो गया। इस रोग ने उसके परिवार में चिंता की लकीरें खींच दी। किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करें। इस प्रकार घंटे दिनों में और दिन महीनों में बदलते गए। निश्चित समय पर रजनी का पैर भारी हुआ, वह गर्भवती हो गई। ससुराल वालों को खुशियाँ लौटती हुई सी लगी। दूसरी तरफ पेट से होने के बावजूद रजनी का पेट दर्द बंद नहीं हुआ और रक्तस्राव बढ़ता गया। इस सूचना ने परिवार में चिंता की लकीरें और भी गहरी कर दी। पेट में मेरे बच्चा होने के कारण भी मेरी हमेशा ब्लीडिंग चलती थी। जिस समय मेरी ब्लीडिंग चलती थी, मेरे पाँव की साइड 7-7 ऊंचा ईंट रखते थे तो भी मेरी ये समस्या खत्म नहीं होती थी। तो मेरा बेटा जब पूरा हो गया, पैदा हुआ समय पर, तो उस बेटे का जो सर था, वो सर ऊपर का जो जिसको खोपड़ी बोलते, ये थी नहीं बिल्कुल भी। इस बच्चे की पैदा होते ही मृत्यु हो गई। इसके बाद भी रजनी ने 4 और बेटों को जन्म दिया। हर बार की तरह ये सभी बच्चे शारीरिक तौर पर कमज़ोर और विकलांग पैदा हुए, जीवन के संघर्ष में हार गए और मृत्यु को प्राप्त हुए। रजनी भी शारीरिक और मानसिक तौर पर थक चुकी थी। हर बार प्रसव के समय अति रक्तस्राव का भी उन्होंने सामना किया, जो असहनीय था। कुछ समय के बाद प्रभु के अनुग्रह से उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका प्रसव पूर्ण रूप से सामान्य था और एक स्वस्थ बच्ची उनको प्राप्त हुई, जिसने एक बार फिर उनकी आशा को जीवित कर दिया। लेकिन ये आशा और उम्मीदें ज़्यादा दिन टिक नहीं सकी। बेटे की चाहत उनके मन में थी और उसी चाह में एक और बेटे को जन्म दिया। ऐसा लगा ये बेटा खुशियों की सौगात लेकर आया है। पूरे परिवार को बहुत एक खुशी मिली और पूरा परिवार मेरा गांव से उस हॉस्पिटल में पहुंच गया। तो जो बुआ जी हैं वो भी वहाँ ही पहुँचे, तो उन्होंने जाकर मेरे बेटे को कपड़ा पहनाया। जैसे उन्होंने कपड़ा पहनाया और मेरा बेटा जेड़ा बिल्कुल डेड हो गया। उसके जिस्म देते, पूरे शरीर देते एक नीले नीले निशान पड़ गए, जैसे किसी ने उसको मार मार के मारा होता है। तो कुछ टाइम बाद डॉक्टरों को बताया, हमने डॉक्टरों ने देखा और डॉक्टरों ने उठाकर उसको मशीन में डाल दिया और बहुत महंगे महंगे उन्होंने डॉक्टरों ने बच्चे के इंजेक्शन वगैरह लगाए कि बच जाएगा, बच्चा नहीं बचा। और जैसे मुझे मालूम हो गया कि मेरा बेटा डेड हो गया, मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं पागल हो गई। इस पागलपन की अवस्था में रजनी अस्पताल से भाग गई, सड़कों पर घूमने लगी और दूसरों के बच्चों को अपना बच्चा समझकर छीनने की कोशिश करने लगी। काफ़ी ढूंढने के बाद घर वाले उसे दोबारा अपने गांव दसवा मुंगेरिया में लेकर आए। मानसिक संतुलन खोने के कारण परिवार वालों ने रजनी को एक अंधेरे कमरे में कैद कर दिया और रस्सियों से बांध दिया ताकि यह किसी को नुकसान न पहुँचा सके। उसे खाना भी खिड़की से डाल कर दिया जाता था। रजनी की जिंदगी नर्क से भी बदतर हो गई थी। जब मुझे घर पे रखा कुछ समय बाद मेरे को मेरठ में ले गए,
मेरठ में जाड़ा फूका वालों के पास ले गए, मेरा बहुत ज़्यादा इलाज कराए। मैं डोडा में लेके गए, गाज़ियाबाद में लेके गए, मेरे को कटरा में लेके गए, बहुत था हमने इलाज कराए, पर मैं कहीं से भी ठीक नहीं हो पाई। इस प्रकार रजनी और उसके सारे प्रयास अस्त हो गए, नाउम्मीदी में जीवन जीने लगे। कई जगह इलाज करवाने में हजारों रुपये खर्च हो गए, कई जगह से कर्ज भी लिया गया, जमीन भी गिरवी रखना पड़ा। परिस्थिति काफ़ी विकट थी, मदद और सहायता करने वाला कोई नहीं था, कोई भी इलाज सफल नहीं हुआ, यहाँ तक कि तांत्रिक और जादू टोने वाले भी उसे ठीक नहीं कर सके। घर में खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। ऐसे में किसी ने सलाह दिया कि रजनी को अमृतसर में ले जाओ, वहाँ की पागलखाने में इसका इलाज करवाओ। उसकी सलाह मानकर रजनी को पागलखाने में भर्ती कर दिया गया। मेरे ससुराल वाले जो मेरे को अमृतसर हॉस्पिटल में लेके गए, तो जब वहाँ पर मेरे को डॉक्टर मेरे दिमाग को करंट वगैरह लगाते थे, तो मेरे को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता था, ना मुझे करंट लगता था ना मुझे कुछ होता था। और डॉक्टरों की काफ़ी प्रॉब्लम होगी, उनके कोई मशीन वगैरह जल गया, एक कमरे का लाइट उड़ गया, और उन्होंने देखा कि इसकी इलाज यहाँ नहीं हो सकता, तो उस डॉक्टर एक सिख परिवार जो वहाँ पे डॉक्टर थे, काफ़ी साढ़े जान पहचान डॉक्टर थे, उन्होंने मेरे ससुराल वालों को बोला कि आप इनको आप किसी अच्छे से बाबे के पास लेके जाओ, ताकि इसका अच्छा इलाज हो सके, ये यहाँ ठीक नहीं हो सकते, इसको कोई भी दिमागी प्रॉब्लम नहीं है। सारा इलाज असफल होने पर थक हार कर रजनी के ससुराल वाले उसे वापस घर ले आए। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या ना करें। काफ़ी सोचने और विचारने के बाद उन्होंने एक मौलवी को घर बुलाया कि वह उसका इलाज करे। जब मुझे वापस अमृतसर हॉस्पिटल से वापस गांव में लेके आए, तब एक हमारे परिवार से जाकर एक मौलवी को लेके आए, तंत्री को लेके आए, तब उस तंत्री ने आकर हमारी घर की कंडीशन देखकर, हमारी समस्या देखकर उसने बताया कि आपको 21 कील करवा के देनी होगी, जो सोने की कीलें होगी, मैं उसको लेकर आपके घर की कील करूँगा, जब आपके घर की कील करूँगा तो ये बिल्कुल ठीक, आपका परिवार जड़ा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मेरे मम्मी पापा ने, ससुराल वालों ने, सब ने ऐसा किया कि उनको अपने थोड़ा सा हमारा जमीन था गिरवे रखकर उसको सोने का कील बनवा के दे दिया। तब उसने हमारे घर की कील किया, जब वो कील करके गया तो उसने हम जब वो कील करने के समय पर उसने हमारे पूरे परिवार को घर से बाहर निकाल दिया, कह रहे आप बाहर चले जाओ, मुझे अकेले ही घर की कील करना। तो हमने उसका फ़ायदा के लिए, हम सोचते थे हमारा शायद अच्छा कर रहे हैं, तो हम सब लोग बाहर चले गए, तो वो कील करके चले गए। तो जाने के बाद कुछ टाइम बाद हमारी वही कंडीशन, वही प्रॉब्लम, वही समस्या रही, हमें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। तब हम लोगों ने एक और ऐसे किसी तंत्री को बुलाया, जब वो तंत्री आए तो उन्होंने बताया कि जो पहले वाला कील किया हुआ है, मैं मुझे वो निकालना है, जब मैं उसको निकालूंगा तभी मैं अपना कील कर सकता हूँ। तो मेरे परिवार बोले कि चलो ठीक है, ऐसा कर लो। तब जब उसने कील निकाला तो उसमें से जो कील लगाया हुआ था वो लोहे का कील निकला, और जो सोने का कील था वो साथ ले गया और लोहे का कील लगा गया। इन तांत्रिकों द्वारा की गई तंत्र मंत्र की रस्में भी रजनी को ठीक नहीं कर पाई, वे इन्हें लूट कर चले गए। रजनी की हालत सुधरने की बजाय दिन ब दिन बिगड़ती चली गई, उसका वजन घटकर 16 किलो रह गया। उसकी यह हालत देखकर एक दिन रजनी का भाई उसे वापस अपने घर ले गया। रजनी के दादाजी बहुत ही पहुँचे हुए तांत्रिक और साधक थे, उन्होंने भी दूसरे अन्य तांत्रिकों को बुलाया। ऐसे में फिर से रजनी के लिए दुख और शारीरिक पीड़ा का सिलसिला शुरू हुआ। उन्हें बाबों ने आकर मेरा मेरे साथ लोहे के गर्म सरिये कर कर कैसे मेरे पूरे जिस्म पे मारते थे। जब वो मारते थे मेरे जिस्म पर, सरिये के साथ कपड़ा जल जाता था, पर मेरे शरीर को ना चोट लगती थी ना जलन होता था, और मेरे को गर्म लाल तवा कर कर के, तंदूर गाँव में होता तंदूर के ऊपर जला जला के लाल गर्म तवे कर कर के मुझे उसके ऊपर खड़ा करते थे। कांटों वाली लकड़ी लाकर मुझे नंगे पाँव में उसके ऊपर खड़ा कर देते थे। मेरे सर के ऊपर सात सात मटके लस्सी वाले गाँव में होते हैं जो, वो मटके पानी के भर भर के मेरे सर के ऊपर रखते थे। मेरे हाथों में जो मेरे बाल थे वो छत के साथ पंखे के साथ बांध देते थे। मेरे हाथों में बहुत ऊंचे ऊंचे भारी भारी डंबल उठाकर ऐसे रात दिन लगातार ऐसे खड़ा रखते थे, और कड़ी से कड़ी सजा देना सोचते थे कि जो मेरे अंदर ओपरी है दुष्ट आत्मा उसको सजा मिले, तो ताकि वो जाने के लिए बोले कि मैं जाऊंगी। लेकिन सब कुछ व्यर्थ था, रजनी की स्थिति बदतर होती गई। सारा परिवार
इसे देखकर और भी दुखी हो गया। सभी तांत्रिकों और साधकों ने भी थक हार कर जवाब दे दिया कि वह अब ठीक नहीं हो सकती। लोगों का कहना था रजनी अब कभी भी ठीक नहीं हो सकती और इसकी मृत्यु निश्चित है। आशाहीनता और अवसाद ने पूरे परिवार को अपने आगोश में ले लिया। तो जब ऐसा उन्होंने बता दिया तो मेरे ब्रदर चुपचाप नहीं बैठे। मेरे ब्रदर जेने जीसस प्रभु यीशु मसीह को जानते थे और जब वो प्रभु यीशु मसीह को जानते थे उनके साथ एक पास्टर थे, वो पास्टर जो चंडीगढ़ में पास्टर नरेश पॉल थे, उनको पंजाब से उन्होंने बुलाया। जब उन्होंने पंजाब से बुलाया मेरे जो शरीर के ऊपर पहले धागे ताबीज कमर में मेरे बाजुओं में बहुत बांधे हुए थे, उन्होंने आते समय बोला कि इसको निकाल दो, इस जो भी धागे ताबीज डाले हुए सब कुछ निकाल दो और मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करूंगा। पास्टर नरेश पॉल द्वारा किए गए प्रार्थना के बाद रजनी के पागलपन का वास्तविक कारण पता चला। रजनी को किसी ने तंत्र मंत्र और जादू टोने के कार्यों के द्वारा पागल कर दिया था। उसमें दुष्टात्मा थी, इस वजह से उसकी हालत खराब होती गई। हालांकि सिख परिवार से होने के कारण प्रार्थना के बावजूद भी रजनी ने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, लेकिन बाद में रजनी की हालत में सुधार होने लगा। इस सुधार को देखकर पास्टर नरेश पॉल चंडीगढ़ में और रजनी का भाई वापस बाइबल कॉलेज लौट गया। रजनी की हालत अब पहले से बेहतर होने लगी। उसके बाद इन्होंने जाकर मुझे लेटर भेजना, ट्रैक्स भेजने, बाइबल की बातें आयतें लेकर लेटर पे भेजनी। तो मैं क्या करती थी, मैं उनको सबको फाड़ कर चूल्हे में जला देती थी कि मैं उनको पढ़ना नहीं सोचती थी कि हम कभी ऐसा ना हो हम इस धर्म में चले जाएं, हम पढ़ने लगें, वचन पढ़ें जहाँ हम क्रिश्चियन बन जाए, ऐसा मतलब मेरे अंदर होता था। मैं अपने हस्बैंड को भी नहीं पढ़ने देती थी। इसके बाद से रजनी की हालत फिर से बिगड़ती चली गई। रजनी में जो दुष्टात्मा थी उसके द्वारा और भी उग्र होती गई और हिंसात्मक कार्य करने लगी। कभी कभी वह परिवार के सदस्यों पर हमला कर देती थी तो कभी अपनी बच्ची का गला दबाने की कोशिश करती थी। इस वजह से घर वालों ने उनकी बेटी को रजनी से अलग कर दिया और उसे मिलने नहीं देते थे। रजनी की इस बिगड़ती हालत को देखकर रजनी के भाई ने पास्टर नरेश पॉल और पास्टर अर्नेश मल को बुलाया। उन्होंने रजनी के घर में 15 दिन के उपवास प्रार्थना का आयोजन किया और फिर शुरू हुआ रजनी की चंगाई का सिलसिला। उन महीने की पहली तारीख से उपवास शुरू किया और लगातार उनका डे नाइट फास्टिंग चलता रहा और ऐसे प्रार्थना करते रहे। और बीच में कुछ लोगों ने आकर, मेरे अपने फैमिली के लोग थे जिन्होंने आकर काफ़ी पास्टरों का विरोध किया, मेरे ब्रदर का भी। मेरे ब्रदर मेरे से भी छोटे थे और उनकी छोटी एज समझकर लोग कहते थे बहुत बड़ा बाबा बना फिरता है ये। पास्टर लोगों को नहीं मालूम था उस टाइम मेरे गाँव में, तो लोग बोलते कि बड़े प्रार्थना करने वाले बने फिरते हैं, लड़की को मार देंगे, हम इनको दोनों को क्या करेंगे, जेल में डाल देंगे। तो उन्होंने बहुत विरोध किया और गांव के लोगों को इकट्ठा करके लेके आए मेरे घर पे और उन्होंने आकर काफ़ी पास्टरों के साथ ऊंच नीच बोलकर हंगामा किया, उल्टा सीधा बोला। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग सिर्फ विश्वास के ऊपर प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर साडा इस शिशु को जरूर चंगा करेगा। जिस टाइम उन्होंने बोला थे ऐसे करते करते वो प्रार्थना करते गए करते गए, तो मुझे थोड़ा थोड़ा मतलब फर्क लगा। अचानक ही रजनी के शरीर में भयंकर दर्द होने लगा। यह पीड़ा इतनी भयंकर थी कि उसे लगा जैसे उसके प्राण निकल जाएंगे। वो जोर से चिल्लाने लगी कि कोई मुझे बचा लो। सारे रिश्तेदार और परिवार वाले उसके पास एकत्र हो गए। कोई कुछ समझ पाता, इससे पहले ही उसकी मृत्यु हो चुकी थी, उसके प्राण निकल चुके थे। परिवार वाले हताश और निराश उसके चारों तरफ खड़े थे। मृत्यु की खबर सुनते ही पास पड़ोस के लोग भी पहुँच चुके थे। पास्टर नरेश पॉल कुछ समझ नहीं पा रहे थे। रजनी की माँ कातर नजरों से अपनी बेटी के निर्जीव शरीर की ओर देख रही थी। उन्होंने पास्टर से प्रार्थना करने को कहा। अचानक ही पास्टर से परमेश्वर की आत्मा ने बात किया। पवित्र आत्मा की अगुवाई में पास्टर चलकर रजनी के पास आए और प्रार्थना किया। प्रार्थना करते ही रजनी के